हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो देखिए, हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक ज्योग्राफी में। आप ध्यान से देखो, वेदर एंड क्लाइमेट। फ्रेंड्स, ये ज्योग्राफी का पार्ट है। ज्योग्राफी में स्पेशली बोला जाए तो क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट है, ठीक है। क्लाइमेट एंड वेदर, देखिए ये देखने में लगता है कि एक समान है, ठीक है, बट बोथ आर डिफरेंट टर्म्स। समझ रहे हैं बात आप? वेदर एंड क्लाइमेट में बहुत अंतर है। देखिए, ये दिखने में लग रहा है एक समान है, लेकिन एक्चुअल में इसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। देखिए, यहां पर क्लाइमेट, देखिए फ्रेंड्स, अगर हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो क्लाइमेट है जो लॉन्ग टर्म फेनोमेना है, ठीक ना। 30 से 35 साल के पीरियड को एवरेज लिया जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्लाइमेट। इसको हम एग्जांपल से भी समझेंगे तो आपको क्लियर होगा। पहले अब हम वेदर के लिखते हैं डिफिनेशन। फ्रेंड्स देखिए, वेदर का मतलब होता है डे टू डे फेनोमेना। अब हम एग्जाम्पल समझेंगे। हम लोग बोलते हैं जम्मू कश्मीर का क्लाइमेट कैसा है, ठंडा है। हम लोग क्लाइमेट कैसा है और वेदर कैसा है? वेदर देखिए, अगर हम उम्मीद करके जाते हैं कि आज जम्मू कश्मीर में जाएंगे और वहां ठंडा ही होगा, ऐसा नहीं है। वहां जाएंगे तो हो सकता आज रेन हो जाए, वर्षा हो जाए, तो उसी को बोलते हैं वेदर। ये हर दिन चेंज होता है, ठीक है। आज अचानक आंधी आ जाए आ गया, ठीक है, इसको बोलेंगे वेदर। हमारा वेदर ऐसा है। क्लाइमेट होता है जो लॉन्ग टर्म फेनोमेना होता है, 30 से 35 साल का एवरेज लिया जाता है, ठीक है। ये है कि डे टू डे आप यूरोप में जाएंगे तो अचानक आपको बारिश नजर आएगा, तो वहां का वेदर होता है, ठीक है। ये आपको डिफरेंस समझना चाहिए, बिल्कुल एक समान नहीं है, दोनों अलग अलग है, ठीक ना। इसको बोलते हैं क्लाइमेट वर्सेस वेदर। बस सिर्फ आपको कंसेप्ट समझना है, दिमाग में रखना है कि क्लाइमेट है जो लॉन्ग टर्म फेनोमेना है और वेदर है जो डे टू डे फेनोमेना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं समझता हूँ आपको डिफरेंस स्पष्ट रूप से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे एटमोस्फेयर के बारे में, ठीक है। चूंकि एटमोस्फेयर पढ़ने के पहले आपको वेदर और क्लाइमेट के बारे में डिफरेंस पता होना चाहिए था। तो हम लोगों ने क्या देखा, क्लाइमेट और वेदर के बारे में डिफरेंस देखा, ठीक है। अब देखिए, हम लोग एटमॉस्फेयर के बारे में जानेंगे, क्योंकि हम लोग पुलिस फोर्सेज एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा गहरा में जाना नहीं है, हम लोग को टच करना है हर टॉपिक हर पॉइंट को, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा वेदर एंड क्लाइमेट। अब एटमॉस्फेयर देखिए फ्रेंड्स, एटमॉस्फेयर को जनरली हम चार भागों में बांटते हैं। स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कभी कभी दो भागों में बांटते हैं। देखिए, इसका दो आधार है बांटने का। अगर हम एटमॉस्फेयर को केमिकल मिक्सिंग के बेसिस पर अगर हम डिवाइड करते हैं तो एटमॉस्फेयर को हम दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। कौन कौन? पहला हो गया आपको होमोस्फेयर, दूसरा हो गया हेट्रोस्फेयर। जो पूरा का पूरा फ्रेंड्स हमारा एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, ठीक है। अगर केमिकल मिक्सिंग के आधार पर बात करते हैं, ठीक ना, केमिकल मिक्सिंग मतलब क्या हुआ, गैसेज, ठीक है। तो एक होता है होमोस्फेयर, एक होता है हेट्रोस्फेयर, बस दो ही पार्ट में खत्म हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स ये नहीं चलता, ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो थर्मल बेसिस पर एटमॉस्फेयर को डिवाइड किया गया है। क्या, कौन से बेसिस पे? थर्मल बेसिस पर। देखिए, एटमॉस्फेयर को केमिकल मिक्सिंग के आधार पर हम दो भागों में बांटते हैं, थर्मल बेसिस पर, थर्मल बेसिस पर फ्रेंड चार भागों में बांटते हैं। और मेजर आपको ये याद करना है, ठीक है, हमेशा बुक में और हर जगह आपको लूसेंट हो चाहे कहीं भी हो, तो मोस्टली आपको जो देखा जाता है ना वो
थर्मल बेसिस पर एटमोस्फेयर को चार भागों में बांटते हैं। देखिए कौन कौन है, इसका एक डायग्राम बनता है फ्रेंड्स, मैं फिर से स्टार्टिंग से लिखता हूं, आप नोट कर लीजिए। केमिकल मिक्सिंग के आधार पर होमोस्फेयर एंड हेट्रोस्फेयर, ठीक है, एंड थर्मल बेसिस के अकॉर्डिंग चार भागों में बांटते हैं। कौन कौन, आप देखिए, फ्रेंड्स देखिए, थर्मल बेसिस के अकॉर्डिंग पहला जो लेयर होता है फ्रेंड्स वो होता है ट्रोपोस्फीयर, ठीक है फ्रेंड्स, पहला लेयर पृथ्वी से जस्ट ऊपर लगभग होगी आपको 20 किलोमीटर के आसपास, मतलब पृथ्वी के सतह से 20 किलोमीटर ऊपर, इसको बोलेंगे ट्रोपोस्फीयर, ठीक है फ्रेंड्स। आपको याद करना, हमने क्या देखा कि केमिकल कंपोजिशन के आधार पे होमोस्फीयर एंड हेट्रोस्फीयर, बट थर्मल बेसिस पर पहला लेयर होता है ट्रोपोस्फीयर, ठीक है, सेकंड लेयर होगी आपको स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा लेयर हो गया मेसोस्फीयर और फोर्थ लेयर हो गया जो आयनोस्फीयर, तो फ्रेंड्स देखिए ये थर्मल बेसिस के अकॉर्डिंग चार भागों में बांटते हैं। देखिए फ्रेंड्स आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना, आपको ये लेयर, आपको देखिए स्पेलिंग अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आप सुन के भी लिख सकते हैं, इसमें आपको मुख्य रूप से याद करना है, ठीक ना, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर एंड आयनोस्फीयर, ये फ्रेंड्स चार लेयर होते हैं, ठीक है, यहाँ पर एमसीक्यू बन सकता है, उलट चाहे पुलट कर देगा और आपको सीक्वेंस में अरेंजमेंट के लिए दे सकता है कि पहले कौन सा लेयर आता है, ट्रोपोस्फीयर आता है कि मेसोस्फीयर आता है, लेकिन इसका जो सही डायरेक्शन है फ्रेंड देखिए, सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर आता है, स्ट्रेटोस्फीयर और मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर। फ्रेंड्स इसके अलावा भी देखिए यहां से एक और क्वेश्चन बनता है कि ओजोन लेयर कहां पाया जाता है, ठीक है ना, तो ओजोन लेयर जो हम लोग को होता है, ओजोन लेयर यहां पर होता है, ओजोन लेयर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में हम लोग को पाया जाता है ओजोन लेयर। तो फ्रेंड्स देखिए यहां पर कितने सारे एमसीक्यू बन सकते हैं, अगर आप एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाएगा आपको तो फिर कितना भी एमसीक्यू बने कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पहला तो हो जाएगा कि आप इसको सही डायरेक्शन में अरेंज करें, सबसे पहले लेयर होता है जो ट्रोपोस्फीयर कहलाता है, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर। दूसरा एमसीक्यू आपको देखिए बन गया कि ओजोन लेयर कहां पाया जाता है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में। तीसरा एमसीक्यू फ्रेंड्स बनेगा कि जो भी हमारा वर्षा होता है, आंधी तूफान, यानी कि वेदर रिलेटेड फेनोमेना, ठीक है, वेदर रिलेटेड फेनोमेना मतलब वेदर रिलेटेड जितने भी चमत्कार होते हैं, फेनोमेना का मतलब वही हुआ, वो सब ट्रोपोस्फीयर में होता है, वर्षा हो गया जो भी हो गया सब ट्रोपोस्फीयर के अंदर हो गया, ठीक है, समझिए अपने अपने भाषा में, आप नोट डाउन इसको कीजिए, ट्रोपोस्फीयर में हमारा वेदर रिलेटेड फेनोमेना पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर पाया जाता है। और फ्रेंड्स यहां पर एक पॉइंट आपको बताना चाहूंगा, हवाई जहाज ज्यादातर कहां उड़ता है, इस लेयर में फ्लाई करता है, स्ट्रेटोस्फीयर में, क्यों करता है, क्योंकि यहां पर क्लाउड नहीं होता, ठीक है ना, यहां पर लिख सकते हैं नो क्लाउड, ठीक है, नो क्लाउड। तो फ्रेंड्स देखिए अब क्लाउड यहां पर क्यों नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला ना कि वेदर रिलेटेड फेनोमेना जो भी होता है वो ट्रोपोस्फीयर में होता है, तो हमारा क्लाउड यहां पर रहेगा और ये क्लाउड फ्री जोन है, इसलिए जो एयरप्लेन होता है मोस्टली इसी जोन में फ्लाई करता है, ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आया होगा। देखिए हमने छोटे से समय में मात्र 10 मिनट के अंदर में आपको हम तीन टॉपिक पढ़ा दिए, बताइए, सबसे पहले आपको वेदर एंड क्लाइमेट का डिफरेंस पता हो गया, ठीक है, उसके बाद एटमोस्फेयर को केमिकल मिक्सिंग के आधार पर हमने दो भागों में बांटा और अगेन थर्मल बेसिस पर चार भागों में बांटा, जो कि क्वेश्चन जनरली यहीं से आता है, ठीक है फ्रेंड्स।
ठीक है, आप नोट डाउन कीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। ठीक है, थैंक यू।